या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर, जिल्हा जळगाव. अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा. धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडाकोठा जामनेर, जिल्हा जळगाव. प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी जामनेर, जिल्हा जळगाव. जिनकी वाणी से चमन खिलता है, जिनकी वाणी से चमन खिलता है, जिनके त्याग से वतन हिलता है, जिनके त्याग से वतन हिलता है, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शमंदन. संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनिजी महाराज साहब के चरणों में वंदन, नंदन, अभिनंदन. पर्यूषण की है सीजन, पर्यूषण की है सीजन, बदलो अपना रीजन. पर्यूषण की है सीजन, बदलो अपना रीजन. आपके सामने आगम वचन चल रहा है, आगम वाणी सुनाई जा रही है, शास्त्र का वाचन सुनाया जा रहा है. किसी ने बताया है कि आगम वाचन न स्टोरी है न लोरी है, न स्टोरी है न लोरी है, बल्कि इससे आत्मा बनती जोरी है, इससे आत्मा बनती जोरी है. आगम वाणी न म्यूजिक है न सॉन्ग है, आगम वाणी न म्यूजिक है न सॉन्ग है, परंतु यह अनुक्रमिक आत्मा का भांग है. जिन वाणी न टीवी है न सीरियल है, इससे आत्मा बनती निर्मल है, इससे आत्मा बनती निर्मल है. जिन वाणी न किस्सा है न जोक्स है, जिन वाणी न जोक्स है न किस्सा है, बल्कि ये एक आगम का हिस्सा है, बल्कि एक आगम का हिस्सा है. तो बंधुओं, आप और हम लगातार 4 दिनों से इस जामनेर नगरी के अंदर जिन वाणी के साथ हमारी जर्नी चल रही है, जिन वाणी के साथ हमारा सफर चल रहा है, जिन वाणी के साथ हमारा प्रवास हो रहा है, यह जिन वाणी यह गाड़ी है, जिन वाणी एक ऐसा सफर है कि इस जिन वाणी के गाड़ी में बैठने वाला जो भी बैठ जाता है वह मुक्ति मंजिल तक पहुंच जाता है या मोक्ष नगर में भी चला जाता है. जिन वाणी वह दर्पण है जिसमें झांकने पर अपनी आत्मा पर रहे हुए दाग को बता देती है. जिन वाणी वह दर्पण है जो अपने आत्मा में छिपे हुए दाग है वह दर्पण क्या कर देती है, बता देती है. जिन वाणी वह सर्जन डॉक्टर है, जिन वाणी वह सर्जन डॉक्टर है जो भयंकर से भयंकर राग द्वेष रूपी रोग का ऑपरेशन सफल कर देती है, राग द्वेष रूपी रोग का ऑपरेशन सफल कर देती है. पर्यूषण पर्व के मंगल दिन चल रहे हैं, भवी आत्माएं इसका अमृतपान, जिन वाणी का अमृतपान करके जीवन को सार्थक कर रहे हैं. परमात्मा की वाणी सुनने के लिए पैसे नहीं लगते हैं बंधुओं, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए पैसे नहीं लगते हैं. क्या लगता है इसको, सिर्फ पुण्य लगता है. जिन वाणी सुनने के लिए सिर्फ पुण्य लगता है. किसी ने बताया है जिसकी उतरती है पुनवाणी, जिसकी उतरती है पुनवाणी वह करता है अनमानी, जिसकी उतरती है पुनवाणी वह करता है अनमानी, जिसकी घटती है पुनवाणी, जिसकी घटती है पुनवाणी वह करता है मनमानी, वह करता है मनमानी, जिसकी चढ़ती है पुण्यवाणी, जिसकी चढ़ती है पुनवाणी वही सुनता है जिनवाणी, वही सुनता है जिनवाणी. आज पर्यूषण पर्व का 4th सूर्योदय उदित हुआ है हमारे सामने. आज का पर्व हमें संदेश दे रहा है कि मोक्ष मार्ग में जाने के 4 कारण बताए हैं, 4 उपाय बताए हैं, दान, सील, तप और भावना. साधना के भी 4 मार्ग बताए हैं परमात्मा ने, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप. आरंभ समारंभ से बस जाओ, ये पर्व हमें संदेश दे रहा है कि आरंभ समारंभ से बस जाओ, प्रवृत्ति से बस जाओ और निवृत्ति में क्या करो, आ जाओ. संसार से हमें निवृत्त होना है. पर्यूषण के पर्व के भीतर जो पर्यूषण पर्व के अंदर जो पक्षी पर्व आता है
उसका परमात्मा ने बड़ा ही महत्व बताया है। तो आज क्या है, हमारा पक्षी पर्व का दिन भी है, हमें पक्षी पर्व पर्युषण के साथ पक्षी पर्व को भी क्या करना है, मनाना है। पक्षी और पर्युषण दोनों की राशि क्या है बंधुओं, एक ही राशि है। तो इस पर्युषण पर्व के अंदर जो पक्षी आती है इसका बड़ा ही महत्व बताया है परमात्मा ने। ये दिन के लिए इस दिन को हमको कहा है, संदेश दिया है कि इस पक्षी पर्व के दिन अपनी क्या करो, प्रतिलेखना करो, प्रमाजन करो। क्या किसका प्रतिलेखन करना है हमें, अपने शरीर का या अपने कपड़ों का या अपने अलमारियों का, किसका प्रमाजन, किसका प्रतिलेखन करना है। परमात्मा बता रहे हैं कि अरे प्यारे बंधुओं, इस पक्षी पर्व के दिन हमें आपके हमारी आत्मा का क्या करना है, प्रतिलेखना करना है, प्रमाजन करना है। आज का दिन हमें चार कषायों पर विजय प्राप्त करना है, विराधना से निवृत्ति होना है। किसी की विराधना क्या नहीं करना है, कोई भी जीव की हमें विराधना नहीं करनी है। आज महत्वपूर्ण मोड़ पर हम जा रहे हैं, एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसे महापुरुष का ऐसा मोड़ है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि उस महापुरुष के जीवन में एक ऐसा टर्निंग एक पॉइंट आता है कि उसका जीवन कैसे मुक्ति की ओर चला जाता है। तो हम आज उस महापुरुषों की जीवन गौरव गाथा गा रहे हैं जिसे आपको शास्त्र वाचन के माध्यम से सुनाया जा रहा है। तो आइए हम अंतर्गत शास्त्र का वाचन शुरू करते हैं। कल आपके सामने बताया गया था कि देवकी महारानी ने किसको जन्म दिया, गज सुकुमार राजकुमार को जन्म दिया। उसका नाम श्री कृष्ण भगवान ने आपके सामने कल वर्णन किया ही गया था कि किसके समान था, कैसे था, उसका नाम गज सुकुमार राजकुमार कैसे पड़ा। तो आपके सामने आगे जो वर्णन चलेगा वह इस तरीके से चलेगा, आप शांति से सुनिए। तत्थनम बारवये नयरिये सोमिले नामम महाने परिवसई अड्डे रियुवे जाव सुपरनिठिये यावी होता तस्सनम सोमिलस्य महानस सोमसिरी नामम महानी होता सुकुमाला तस्सनम सोमिलस्य महानस्य दुया सोमसिरिये महानिये अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुमेनम जाव लावन्नम उकिट्टा उकिट्ट शरीरा यावी होता तयनम स सोमिया दारिया अन्नया कयाईम नाया जाव विभूषिया बहुहिम खुजाईम जाव परखिता सयाओ गिन्नाओ पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जेने रायमग्गे तेने उवा गच्छिता रायमग्गंसी कनगंति दुसयनम किलमानी किलमानी चिट्ठई तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहरिट्ट नेमी समोसडे परिसा निगया तैनम से कन्ने वासुदेवे हिमी से कहाए लदट्ठे समाने नहाय जाव विभूषिये गय सुखमालेनम कुमारेनम सद्दीम हत्तिखंड वर गए संकोरट्ट मल्ल दामेनम छत्यनम धरिज्यमानेनम से वर चामराईम उद्धव मानिहिम बारवये नयरिये मज्ज मज्जेनम अरहो आरिट्ठ नेमिस पायवंदये निगंचमाने सोमम दारियम पासई पासिता सोमाय दारियाय रुवेनम य जोवनेनम य जाव विम्मिये तयनम से कन्ने वासुदेवे कौडुम्ब्य बियपुरी से सदावी सदाविता एवं वयासी गच्छनम तुम्बे देवानु पिया सोमिलम मानम जायता सोमम दारियम गिन्ना गिन्नीता कन्न तेवरेसी पक्षी वहम तयनम सा गय सुकुमालस्य कुमारस्य भारी या भविष्यी तयनम ते कौडुम्बीय पुयरिसा जाव पक्षीमंती तयनम ते कौडुम्बीय पुरीसा जाव पंच पिनत्ती कन्या वासुदेव बारवय नैरिये मज्ज मज्जैनम निगच्छय निगच्छिता जैनव ससंभ मने उज्जाने जाव पज्वसाई तयनम आ अरिठ नेमी कन्नस्य वासुदेवस गयसुकुमालस्य कुमारस तिसे है दम्म का कन्ने पड़ी गए तयनम से गयसुकुमाले कुमारे अरह अरिठ नेमी स अंतियम धम्मम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम अपुच्छामी जहा मे नवरम महिलिया वज्जम जाव वड़िय कुले तयनम कन्ने वासुदेव इमी से कहाए लदट्ठे समाने जेने व गयसुकुमाले कुमारे तेने उवागछि उवागछिता गयसुकुमालम कुमारम अलिंगय अलिंगिता उच्छंगे निवेशय निवेशिता एवं वयसि तुमम नम सोहोयरे
कनी यसे भायातम मानम तुमक देवानु पिया यानी अरहो अरिट्ठ नेमिस अंतिये मुंडे जाओ पवयाईम अहनम तुमे बारवये नयरिये मैया मैया रायभिषेनम अभिचिचा समय तयनम से गयस कुमारे कुमारे कन्नेनम वासुदेवेनम एवं पुत्ते एवं उत्ते समाने तुसिने सचिट्ठई तयनम से गयस कुमारे सुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियोर ये दोच्चम्पी तच्चम्पी एवं वयासी एवं खलु देवानु पिया मानुषया कामा असूया असया मंतासवा जाव विपजयिवा भविष्यन्ति तम इच्छामि नम देवानु पिया तुभ्यम अब्बनुनाय समाने अरहो अरिठनेमिस अंत्ये जाव पवित्तिये तयनम त गयसुकमालम कुमारम कन्ने वासुदेवे अम्मा पियारो य जाये न संचायम बहुयायम अनुलोमायम जाव अगवित्तये ताहे अकमायम चेव एवं वयसी तम इच्छामनम तम ते जाया एक दिवस मवी रजसिरीम पासितय निखमनम जहा महाबलस्त जाव तमानाय तहा जाव संजमिते से गयसुकमाले अनगारे जाए इरिया समिये जाव गंतु बंबयारी तैनम से गयसुकमाले अनगारे जम जम चेव दिवस पवये तस्से व दिवस पुवावरन्न काल समयासी जेनेव अरा अरिठनेवी तेने उवागच्छेता अरम अरिठनेमी तिकुतो अयहिनम पयहिनम करी करिता वंदई नमस्ता वंदिता नमस्ता एवं वयसी इच्छा मिनम बनते तुभ्यम अब्बनुनाय समाने महाकालंसी सुसानंसी एगारयम महापरिमम वसपचितनम विहरिताय हास्वम देवानु पिया तैनम से गयसुकमालम अनगारम अरहया अरिठनेमिना अब्बनुनाय समाने अरम अरिठनेमि वंदई नमस्ई वंदिता नमसिता अरो अरिठनेमिस अंतिहाओ ससभवनाओ उज्जानाओ पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागच्छे उवागच्छेता ठंडिलम पड़िलेता उचार पासम भूमि पड़िलेता इसी पभार गयेनम कायेनम जाव दोवी पाये साहटू एगारयम महापड़िमम व सभजितानम विहरई इमं च न सोमिले महाने स्वामी देह साठाए बार वयो नयरियो भैया पुवनिगये समीहाओय दब्भेह कुस्सेह पत्ता मोड़यम च गिन्नहि गिन्नीता तव पड़िनिवत्तई पड़िनिवत्तिता महाकालस सुसुनास अधुरसामन्तेना वीयवयमाने सज्जा काल समयांसि पवीर मनुषसि गयसुकमाल अनगारं पासै पासैता तं वेरं सरे सरिता असुरुते एवं वयसि येसनं भो से गयसुकमाले कुमारे अपत्य जाव परिवज्ये जैनम मम धुयम सोमसिरिये भारियाये अत्ययम सोमम दारियम अधिक्त दोषपय्यम कालवित्तनि उत्पजिहिता मुंडे जाव पवये तम सेम खलु मम गयसुकमालस वेरनिजयनम करित्तये एवं संपेहि संपेहिता दिशपडिलेनम करिता सरसम मठ्यम गिन्नै गिन्नीता जैनम गयसुकमाले अनगारे तेने उवागच्छे उवागच्छेता गयसुकमालस अनगारस मथ्ये मठियाने पालिम बंदयि बंदिता जलंतियो चियायाओ पुल्लियंकी सुय समाने खयरंगारे खलेनम गिन्नहि गिन्नीता गयसुकमालस अनगारस मथ्ये पविखै पक्षिवैता भियेतव कृपामेव अवकमयि अवकमिता जामेव दिशं पाउ भूये तामेव दिशं पड़ि गहे तैनं तस गयसुकमालस अनगारस सरी रयंसि बेना पाउ भूया उज्जला जाव दुरहियासा तैनं से गयसुकमाले अनगारे सोमिलस महानस मनसा विन अपदुसमाने तम उज्जलं जाव अय्यासेई तैनं तस गयसुकमालस अनगारस तम उज्जलं भावम अय्यासे मानस सुबेनं परिणामेनं पसत्त ज वासनेनम तयावर निज्जानम कम्मानम खयेनम कम्मरयवी किरणकरम अपुवकरणम अनुपविष्टस अनंते अनुत्तरे जाव केवल वरनान दंसने समुपने तव पच्छा सिद्धे जाव पिन्ने तथनम हासनिसेहियं देवेहिं सम्मम आरहियति कट्टु दिवे सूरभिंग दधोये उठे दसद्धवने कुसुमे निवडिये चेलुखेवे कहे दिवे गीय गंध वनी निनाहे कय यावी होता तैनम से कन्ने वासुदेवे
कल्लम पाऊ पभाए जाव जलन ते नाहे विभूषिये हत्ती गंध वर गए शंकर टमल दामेनम छत्यनम धारिज मानेनम सेयम वर चामराई उद्धव मानिहिम मैया बड़ बड़ चढ़ गर पह कर वंद परिखित्ते बार वहीं नयरी मज्ज मज्जनम जेनेव अरा अरिठ नेमी तेनेव पारितम महारितम गमनाये तैनम से कन्या वासुदेवे बार वही नयरी मज्ज मज्जनम निगच्छ माने एकम पुरिसम पासे पुन्नम जुन्नम जरा जयर जरा जयरी देहदम जाव किलतम मही महालयाओ इट्ठीगसियो इट्ठीगरासियो यगमेगम इट्ठगम गहाय बहिया रथा बहाओ अंते गेम अनुपवी समानम पासही तैनम से कन्ने वासुदेवे तस पुरी सस अनुकंपन अठाए हत्ती गंधवर गए चेवम एगम इट्ठं इट्ठगम गिन्नई गिन्नईता बाई या रथा बहाओ अंतो गहिम अनुपवेशई तैनम कन्नेनम वासुदेवेनम एगेन एगये इट्ठगाये गैयाये समानिये अनेगहि पुरिसेहि से महालय इट्ठिगस राशि बहिराथ पहाओ अंतोघरसि अनुपवेशिये तैनम से कन्ने वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जम मज्जम मज्जेनम निगच्छै निगच्छिता जेनेव अरा अरिठनेमी तेनेव वुआ गच्छिता जाव वंदै नमस्तै वंदिता नमस्सिता गयसुकमालम अनगारम अपासमाने अरम अरिठनेमी वंदै नमस्सैता वंदै नमस्सिता जय यं वयसि कैनं वन्दे से मम सोहेरे भाया गयसुकाले अनगारे जन्नम अहं वन्दामि नमस्सामि तैनम अरा अरिठनेमी कन्नं वासुदेव यं वयसि सायेनं कन्ना गयसुकमालेनम अनगारेनम अपट्टो अपन्नो अट्ठे तैनम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिठनेमी एवं वयसि कहन्नं वन्दे गयसुकमालेनम अनगारेनम साये अपनो अट्ठे तैनम अरा अरिठनेमी कन्नम वासुदेव एवं वयसि एवं खलु कन्ना गयसुकमाले नम अनगारेनम मम कल्लम पूवा वरहन काय समयंसि वंदै नमसै वंदिता नमसिता एवं वयसि इच्छामीनम जाव उवसपजित्तानं वियरई तैनम तम गयसुकमालम अनगारम एगे पुरिसे पासे पासिता असुरत्ते जाव सिद्धे एवं खलु कन्ना गयसुकमालेनम अनगारेनम साये अपन्नो अट्ठे तैनम से कन्ने वासुदेवे अरम अरिठनेमी एवं वयसि केसनम बन्ते से पुरिसे अपत्ये पत्ये जाव परिवज्ये जैनम मम सोहैरम कनियसम भैरम गयसुकमालम अकाले चेव जीवियाव ओवरोविये तैनम अरह अरिठनेमी कन्नम वासुदेव एवं वयसि मानम कन्ना तुमम तस्य पुरिसस पोसमा वज्जायिम एवं खलु कन्ना तेनम पुरिसेनम गयसुकमालस अनगारस साहिज्ये दिने अर्थात कल आपके सामने गयसुकमाल का जन्म हो गया था और यौवन के डेलिश पर उसने क्या कर दिया था कदम रख दिया था। उसी समय एक और घटना घटित होती है कि उस द्वारिका के अंदर महाविद्वान महाधनवान जिसके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की अपार कृपा थी क्योंकि वे वेदों का ज्ञाता व्याकरण न्याय शास्त्र का विख्याता था सोमिल ब्राह्मण नाम है उसका क्या रुतबा है उसका क्या विद्वता है उसकी विद्वता का और उसके वैभव का इधर गज सुकुमार का जन्म हुआ और उधर सोमिल ब्राह्मण की पत्नी सोमश्री ने सोमश्री के गर्भ से सोमा नाम की पुत्री का जन्म होता है वो पली बड़ी पड़ी और जवा हो गई जवानी में प्रवेश कर गई इन दोनों के जवानी के उबार में वह एक घटना और घटित होती है कि उसी वक्त सहस्रावन के अंदर भगवान अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर भगवान परमात्मा पधारे आकाशवाणी हुई जय जय भद्दा जय जय नंदा जय जय भद्दा ऐसी धुंधुभी बजने लग गई तारण तीरन जहाज भगवान अरिष्टनेमी सहस्रावन में अंदर पधारे हैं ऊपर से आकाशवाणी हो रही है देवी देवता कर रहे हैं ये खबर पूरी नगरी में फैल गई द्वारिका में सब लोग उमड़ घुमड़ कर भगवान अरिष्टनेमी के चरणार्थ में जाने लग गए उस वक्त अगर तुम होते तो क्या सोचते देवता ने कहा था
द्वारिका के सारे लोग क्या चलने लग गए, भगवान परमात्मा के अरिष्ट नेमी के दर्शन वंदन करने चले जाने लग गए। उस वक्त तुम सोचते कि देवता ने कहा था कि जैसे ही जवानी में कदम रखेगा, किसकी बात चल रही है, उस वक्त जब सबको पता था कि इस द्वारिका नगरी के अंदर देवकी रानी ने गज सुकुमार राजकुमार को जन्म दिया है और उसकी भविष्यवाणी की गई है कि ये जवान होते ही यौवन अवस्था के डेलिस पर कदम रखते ही क्या होने वाला है, संयम अंगीकार करने वाला है। जैसे ही सब लोगों ने सोचा, उमड़ घुमड़ कर सारे दर्शनार्थ चले गए। अगर तुम होते तो क्या सोचते, अगर आपको पता है कि मेरी बेटी की कुंडली में, अगर आपको कोई ज्योतिष ने बता दिया कि आपकी बेटी की कुंडली में क्या है, दीक्षा के संयम के योग है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई महाराज साहब आपके नगरी में पधारे हैं तो आप क्या करोगे, क्या सोचोगे? सच बोलना, पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, जैसे ही जवानी में कदम रखेगा, गज सुकुमार मुनि के लिए भगवान ने ये वाणी फरमाई थी, बताई थी, ऐसे वचन कहे थे कि गज सुकुमार मुनि क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे। तो प्रभु की वाणी सुनेगा और वैराग्य आएगा, दीक्षा लेगा। अगर तुम्हें पता होता तो आप क्या करते, आपके बच्चों के लिए आप सोचते कि अभी मेरे बच्चे का क्या हो गया है, डेंजर पीरियड आ गया है, डेंजर समय शुरू हो चुका है। जो आप सोचोगे मन के अंदर, तो क्या करोगे, उसको बच्चे या बेटे या बेटी को, जा तू स्विट्जरलैंड, तुझे उसे वहाँ पर जॉब मिल रहा है, वहाँ पर भेज देते हो, या पिकनिक के लिए क्या कर देते हो, भेज देते हो। पर देखो, वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण को सब कुछ पता होते हुए भी श्री कृष्ण अपने छोटे भाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, देख दुनिया के तूने बहुत सभी चीज़ें देखी होगी। किसको बता रहे हैं? अपने छोटे भाई को, श्री कृष्ण भगवान, जो गज सुकुमार राजकुमार है, श्री कृष्ण भगवान उन्हें बता रहे हैं कि अरे मेरे छोटे भाई, तूने दुनिया की बहुत सारी चीज़ें देखी होगी अभी तक, लेकिन आज मैं तुम्हें वह शख्स से ऐसा शख्स दिखाऊंगा, वो एक महान, ऐसी एक महान आत्मा दिखाऊंगा जिनको देखने के लिए स्वयं देवलोक से कौन आते हैं, इंद्र आते हैं, देवी देवताएँ आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए सब देवी देवता क्या हो जाते हैं, हमेशा उनके दर्शन के लिए 24 घंटा क्या होते हैं, उनके सेवा में हाजिर होते हैं। भगवान अरिष्ट नेमी, वो भी हमारे कौन है, वंशज है, क्योंकि यादव कुल से है, वो पहुंच गए इधर हाथी पर सवार होकर, चंवर झरे जा रहे हैं और भारी भीड़ के बीच में से वो जा रहे हैं। चारों तरफ जनता खड़ी है, फूल बरसा रही है और उन दोनों भाइयों की जोड़ी को देखकर लोग उस नगरी को, दोनों भाइयों को देख रहे हैं जाते हुए, और वो दोनों उस नगरी के सारे लोगों की नज़र उन दोनों भाइयों की जोड़ी पर पड़ रही है और मुंह से निकल रहा है, वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है, पदायने बिछाए जा रही है। इतने में श्री कृष्ण के कानों में किसी कन्या की खिलखिलाने की आवाज आई, जोर से हंसने की आवाज आई, आवाज कानों में पड़ी, नजरों ने आवाज का पीछा नहीं छोड़ा, पीछा किया, देखा वही सोमा ब्राह्मण सोमिल की कन्या सोमा अपनी सखियों के साथ सजी धजी, और क्या चेहरा है, चांद जैसा वहा मुखड़ा, क्या मुस्कुराने की कला है, क्या हंसने की कला है, क्या मुखाकृति है। श्री कृष्ण ने जब देखा सोमा को, मंत्र मुक्त हो गए। शास्त्र बोल रहा है विमिहे, यानि कृष्ण भगवान क्या हो गए, विस्मृत हो गए हैं। क्या इतना सौंदर्य, क्या अभी और भी बाकी है, जबकि श्री कृष्ण की महारानियां एक से एक बढ़कर, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि वो चेहरा है कि मेरी पटरानियाँ भी मुकाबला, इस चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकती है। उस चेहरे को देखते ही देखते रह गए। श्री कृष्ण एक सेवक को बुलाया और कहा कि ये लड़की किसकी है? सोमिल ब्राह्मण की कन्या है। ओह, मैं भगवान अरिष्ट नेमी के समोसरण से वापस आऊँ, तब तक उसके पहले मेरी तरफ से निवेदन करना। किसको निवेदन करना? सोमिल ब्राह्मण को, कि स्वयं वासुदेव कृष्ण ने
आपकी कन्या का हाथ मांगा है। किसके हाथ मांगा है? अपनी कन्या का, स्वयं जो त्रिपुरष्ट वासुदेव, द्वारिका नगरी के राजा श्री कृष्ण वासुदेव, उन्होंने आपकी कन्या का क्या किया है? हाथ मांगा है। और ये मैं अपने छोटे भाई के लिए चुनता हूँ, जो मेरे पास नहीं अपने भाई को दूंगा। चले गए उधर से चले गए ब्राह्मण सोमिल के पास, कन्या का हाथ मांगा। सोमिल ब्राह्मण भी देखता रह गया। बुलाया सोमा को, उसका माथा चुमा, उसका भाग्य को चुमा। बेटा, तू इतनी भाग्यशाली है, भाग्यवान है कि तीन खंड के मालिक वासुदेव खुद अपने छोटे भाई के लिए तेरा हाथ मांग रहे हैं। मेरे से भीख के अंदर भीख मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बदले मैं तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन मुझे अपनी कन्या का हाथ दे दे मेरे भाई के लिए। क्या किस्मत है, माथा चूम कर, सजा धजा कर, आरती करके अपनी बेटी को विदा कर दिया। जाओ, जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई के लिए कन्याओं को रखा था, वहाँ भिजवा दिया। उधर प्रवचन में पहुँच गए, सभा में पहुँच गए, समोसरण में पहुँच गए। वहाँ क्या नज़ारा है, क्या दिव्य देशना है, क्या अमृतवाणी का झरना है। जैसे ही अमृतवाणी गस सुकमाल के कानों में पढ़ने लगी, आहा, क्या तसल्ली मिली, क्या सुकून मिला, क्या आनंद आया। इस आनंद का अनुभव गस सुकमाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार किया। जबकि धन की कोई कमी नहीं, संपदा की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, ऐशो आराम के साधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन आज महसूस होने लगा कि इतने सुख साधनों के बीच में रहते हुए आज मुझे जो सुकून मिला है, आनंद आया है, वो मुझे कभी नहीं आया। ध्यान मग्न हो गए, प्रवचन पूर्ण हो गया। लेकिन जब गस सुकमाल को ध्यान में देखा, तो श्री कृष्ण ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप परिवार के साथ, अगर आप कोई परिवार के दो तीन सदस्य बैठे हुए हैं और कोई एक परिवार का सदस्य आपका ध्यान में है, तो आपकी नज़र बार बार कहाँ जाएगी? घड़ी के पास, कि अभी ध्यान कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर दोगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको क्या किया? डिस्टर्ब नहीं किया, ध्यान भंग नहीं किया। इनको आनंद लेने दो। श्री कृष्ण लौट आए, जनता भी लौट आई। आँख खुली जब गस सुकमाल की, तब भगवान अरिष्ट नेमी को पाया। उनको रोमांचक में अनुभव कर सकती हूँ। इतने आनंदित हुए, आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे और कहने लगे, भगवान, वाह, वो आनंद जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की, वो आनंद, बस मैं इस आनंद से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपके संग रहना चाहता हूँ। इतनी दूर बैठा था तो भी इतना आनंद आया कि अगर मैं चरणों में बैठ गया तो कितना आनंद आएगा भगवान। भगवान ने कहा, अहा सुअम देवानु पिया माँ परिबद्धम करेई। शुभ कार्य में विलंब मत करो। ये काम आप करते हो, अगर आपको फिल्म देखनी है तो अभी की अभी देखनी है, नोट कमाने हैं तो अभी के अभी ही कमाने हैं। और मैं सच बता रही हूँ कि उस वक्त भी आप यहाँ बैठे हो और तुम्हारे कान में कोई खबर दे दे, अगर आप प्रवचन श्रवण कर रहे हो या शास्त्र वाचन सुन रहे हो, शास्त्र की वाणी सुन रहे हो, और उस समय आपके कानों में अगर कोई खबर दे दे कि जिससे तुमने 25 लाख रुपए लिए थे वो लेने आ गया है, क्या हो गया है, लेने आ गया है, अब क्या होगा, क्या करूँ, या तो फंस गया, अब बीच में से उठूँ तो कैसे उठूँ, आपका मन नहीं लगता है, 25 लाख नज़र आने लग जाते हैं, और उस वक्त प्रवचन भी है, भगवान ऐसे तो रुकने वाला नहीं। आप मन के अंदर, साधु भगवान जब प्रवचन देते हैं और आपको कोई खुश खबर देने आ जाए, तब आपका मन प्रवचन में लगता है? नहीं लगता है। तब आप मन के अंदर सोचते हो, भगवान ऐसे तो रुकने वाला, गुरुदेव ऐसे रुकने वाले तो नहीं है,
भगवान करे महाराज का गला ही क्या हो जाए, खराब हो जाए, ताकि महाराज क्या हो जाए, प्रवचन देते देते बीच में रुक जाए और मैं वहाँ से उठकर बाहर चला जाऊँ। जहाँ आकर्षण है, जहाँ लगाव है और जहाँ आकर्षण है वहाँ प्राइमरी है। क्या है? जहाँ आकर्षण होता है, जहाँ लगाव होता है वहाँ प्राइमरी हो जाती है, और जहाँ आकर्षण नहीं होता वहाँ सेकेंडरी हो जाती है। हमने धर्म को हमेशा सेकंड पर ही रखा है और धन को हमेशा प्रथम पर रखा है। यानी प्राइमरी पर जो प्रथम पर रहना चाहिए वो सेकंड पर चला गया, और जो सेकंड पर चाहिए वो प्रथम पर आ गया है। यह विडंबना है आज वर्तमान में इस पंचम काल की, इस कलयुग की। नहीं तो ये उस चौथे आर्य की बात कर रही हूँ कि जहाँ धन हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था, दुनिया का सुख दूसरे नंबर पर रहता था, आत्मा का सुख प्रथम नंबर पर रहता था। उठ गए, कहा कि मैं अपने माता पिता, कौन उठ गए? गस सुकमान मुनि। प्रवचन हुआ, ध्यान पूर्ण हुआ और उठ गए और भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर मैं आपके चरणों में दीक्षित होऊंगा। चले आए बड़े प्रसन्न। देवकी ने देखा आज मेरा बेटा गस सुकमान बहुत खुश नजर आ रहा है, बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है, चेहरे पर नूर टपक रहा है। बेटा क्या हुआ, भगवान के दर्शन किए? गस सुकमान ने कहा, बोला, हाँ माँ, उनकी वाणी सुनी? हाँ माँ। आनंद आया? बोले हाँ माँ। कितना पूछो? मत पूछो माँ, कितना आनंद आया। फिर माता ने पूछा, क्या सोचा? किसने पूछा? माता ने पूछा कि आपने क्या सोचा? भगवान की वाणी सुनी, आपको आनंद आया, भगवान के दर्शन किए, आनंद आया। तो बोले हाँ, तो फिर आपने क्या सोचा बेटा? जब अब क्या सोचने वाले गस सुकमान मुनि, आप सबको पता ही है। जैसे ही बोला गस सुकमान राजकुमार ने कि मैंने छोड़ने का सोचा। क्या किया? कि मैंने सब कुछ छोड़ने का सोचा। क्या? जैसे ही माँ एकदम आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा लग रहा है कि धरती फट रही मेरे नीचे से। माँ ने कहा, सच माँ, मैं तेरी गोद में बड़ा हुआ हूँ, तेरे हाथ को पकड़कर चलना सीखा हूँ, तेरे हाथों का मैंने बहुत पकवान खाए हैं माँ, लेकिन माँ आज तो मुझे मिला, तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो क्या मिला माँ आज मुझे। माँ तू मेरी माँ है ना, तो अपने बेटे की एक ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे माँ। बोल बेटा, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दे। क्या कर दो? कि तू मेरी माँ है, तू मुझे खुश देखना चाहती है, तो मुझे क्या कर दो? मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दे। इतना सुनते ही वसुदेव रोने लग गए। माँ रोने लगी, कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ और नहीं जी पाऊँगी। कहा कि देख लो माँ, एक तरफ अपने बेटे की खुशी, एक तरफ तुम्हारी खुद की खुशी। अगर तुम मुझे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी खुशी मुझे दे दो माँ, मेरी खुशी मुझे दे दो माँ। ये देखिए, इसको कहते हैं प्यार, स्नेह, माँ का स्नेह, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार। यह खबर सुनी वासुदेव श्री कृष्ण ने नंगे पाँव दौड़े चले आए श्री कृष्ण भगवान। लिपट गए अपने भाई से, एकदम आलिंगन किया अपने छोटे भाई को, उसका माथा चूमने लग गए और बोले, क्या सुन रहा हूँ भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ? कि तू दीक्षा लेगा? हाँ भैया, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्यों आज मुझको क्या मिल गया है? भैया मैं आज आपको कैसे क्या बता सकता हूँ कि मुझे आज क्या मिला है, सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई है भैया। अपने भाई का चेहरा देखने लगे श्री कृष्ण। कभी माँ का चेहरा देखा, कभी पिता का चेहरा देखा, बहुत बड़े फैसले वाली बात आ गई है। जब बहुत कुछ बताया समझाया, तब गस सुकमान ने एक बात कही अपनी माता को, पिता को, भाई से, हे भाई, हे माँ, एक बात बता, हमें सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना ही है या नहीं, ये बताओ कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है या साथ में सब कुछ लेकर जाना है, ये बताओ मुझे कि छोड़कर जाना है या लेकर जाना है। जितने भी मन है, सुख और साधन है, इनको एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है माँ, जाना ही है,
ना ये हमेशा रहने वाले हैं, नहीं ये शरीर हमेशा इसी तरह से रहने वाला है। माँ सब नश्वर है, मेरा दिल बोल रहा है, मेरी आत्मा बोल रही है, आत्मा इस शरीर को छोड़े इससे पहले मैं इस घर को क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। आत्मा इस शरीर को छोड़े पहले, उसके पहले मैं आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाऊँ। क्या बताया है कि आत्मा इस शरीर को छोड़े मैं आत्मा को क्या कर दूँ, परमात्मा में लीन कर दूँ। ये गुंजाइश अब इस बात पर क्या बोले, अब आखिरी दाव खेला श्री कृष्ण ने, बस अब उनके पास एक ही बात रह गई थी, आखिरी दाव खेला उन्होंने। कौन सा दाव खेला होगा? अगर आपके बच्चे आपकी बेटी बोल दे कि मुझे दीक्षा लेना है, आपने सारे पर्याय कर लिए, सारी उसकी परीक्षा ले ली, सब कुछ कर लिया, आप आखिरी गेम उसके साथ कौन सा खेल सकते हो? जैसा ही आप अगर गृहस्थ के अंदर खेल सकते हो तो श्री कृष्ण भगवान ने भी क्या किया, इसी तरीके से उनके साथ गस सुकुमार के साथ ऐसा ही दाव खेला, ऐसा ही गेम खेला, एक आखिरी दाव खेला कि इस गस सुकुमार को एक बार उस गद्दी पर बिठा दो, एक बार उस गद्दी पर बिठा दो जिस गद्दी पर मैं बैठता हूँ। हाँ, उस पर बैठने के बाद उसे छोड़ने का दिल नहीं करेगा उसका। किसका दिल नहीं करेगा? गस सुकुमार का दिल नहीं करेगा। बड़ी ज़बरदस्त है भाई वह गद्दी, कईयों को अपना पद इतना प्यारा लगता है कि ये मेरा पद खतरे में पड़ रहा है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि मेरा पद भी बचा रहे। वो क्यों पदों के लिए गिड़गिड़ाते हैं लोग, क्या मजदूरों की तरह किस तरह गिड़गिड़ाते हैं लोग। अरे शरीर के बाद भी तो छूटेगा पद, समय से पहले छोड़ देता है वो बुद्धिमान होता है। कहा कि एक बार गद्दी पर बैठा दो, क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन उस गद्दी को छोड़ने के भाव कभी आते नहीं थे। जो श्री कृष्ण भगवान थे, हाँ वह हर बात के लिए सोच सकते थे, पर उन्होंने मन के अंदर कभी ऐसी बात नहीं सोची कि मुझे भविष्य के अंदर इस गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। यह बात कभी वो दिमाग में लाते ही नहीं थे, और कभी ये बात ऐसी सोचने की भी नहीं की थी उन्होंने मन के अंदर। पर लेकिन आज उन्होंने इस गद्दी पर बैठा दो, क्योंकि आज छोटे भाई के लिए वो क्या कर रहे हैं, वह गद्दी का त्याग कर रहे हैं। आज की इस गद्दी पर बैठा दो, आज इस गद्दी का चमत्कार मुझे देखना है। क्या करना है कि इस गद्दी का चमत्कार मुझे देखना है। कहा कि और कुछ नहीं भाई, राजघराने में जन्म लिया है तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन तू राजा बन, इस गद्दी पर बैठ, मैं तेरा राज तिलक करता हूँ, राज्याभिषेक करता हूँ। राज्याभिषेक की तैयारी हुई, नहलाया, धुलाया, सजाया, पहनाया, और वासुदेव ने अपना मुकुट अपने छोटे भाई को पहनाया और उसे अपने हाथों से उठाया और राजगद्दी पर बिठाया। वसुदेव सामने, सारी नगरी की जनता सामने, सारी द्वारिका के दरबारी सामने हाथ जोड़ करके कहा, सबके सामने श्री कृष्ण ने कहा कि अब तू वासुदेव सम्राट क्या हो चुका है, तू राजा बन चुका है, और हम तेरी क्या है, प्रजा है। बोलो क्या आज्ञा है राजा हमारे लिए, बोलो क्या आज्ञा है वासुदेव हमारे लिए। कौन हाथ जोड़ रहा है? श्री कृष्ण वासुदेव, जो अपना मुकुट छोटे भाई को पहना दिया और तुरंत ही अपने हाथों से बिठा राजगद्दी पर बिठा दिया और बोल रहे हैं कि तू राजा बन गया, तू वासुदेव बन गया, तू सम्राट बन गया, हम तेरे लिए क्या है, अब प्रजा है, और हम प्रजा होने के नाते तेरे से हम क्या मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि इस प्रजा के लिए, इस नगरी के लिए हमारे लिए क्या आज्ञा है, बोलो क्या आज्ञा है। अब तो सोचते हैं देखता हूँ अब क्या आज्ञा आती है। तो मालूम है कि राजगद्दी पर बैठकर गस सुकुमार ने क्या कहा, अगर मुझे तुम राजा मानते हो, अगर तुम मुझे राजा मानते हो, आदेश की पालना करते हो, चलो मेरी दीक्षा की तैयारी करो। किसने कहा? गस सुकुमार मुनि ने, गस सुकुमार राजकुमार ने कहा कि अगर तुम मुझे राजा मानते हो और मेरा आदेश का पालन करते हो और मेरी आज्ञा मानते हो, तो मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि मेरी दीक्षा की क्या कर दो, आप तैयारियाँ शुरू कर दो। श्री कृष्ण माँ बाप की तरह देखा, इशारा किया, अब इसे कोई न रोक सकता, इसे गद्दी भी नहीं रोक पाई, हम कोई नहीं रोक सकते हैं। दीक्षा की तैयारी भव्यतम की ओर पहुँच गए, अरिष्ट नेमी के दरबार में सज धज कर आभूषण उतार दिए, साधु वेश धारण किया,
एक चोटी रख ली, उसे उखाड़ना है। भगवान अरिष्ट नेमी ने भरी सभा में पूछा, माँ बाप को तुम्हारी आज्ञा है? देवकी ने आज्ञा दी। देने के पहले देवकी महारानी जो थी, आज्ञा देने के पहले अपने बेटे से एक बात कही कि बेटा गज सुकमाल, देखो बेटा, हम तेरे आगे हार गए हैं। हम आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आज एक बात अपने बेटे से एक विनंती कर रही है एक माँ। साधु बनकर ऐसी करनी करना, साधु बनकर ऐसी करनी करना कि तू किसी दूसरी माँ के पेट से जन्म मत लेना, कि तू किसी दूसरी माँ से पेट से जन्म मत लेना। जिस तरह मैं रो रही हूँ, इसी तरह दूसरी माँ को रोने का मौका मत देना बेटा, दूसरी माँ को रोने का मौका मत देना। बस मैं तुझे इसी तरह यही चाहती हूँ, मैं तेरी आखिरी माँ बनना चाहती हूँ। क्या कहा देवकी महारानी ने, कि मैं तेरी बस एक ही विनती है कि मैं तेरी आखिरी माँ बनना चाहता हूँ, तू किसी और का बेटा मत बनना। अब तू किसी और का बेटा मत बनना, किसी और का मत बनना बेटा। तेरी माँ मैं ही रहना चाहती हूँ, तेरी माँ मैं ही रहना चाहती हूँ। माँ से आँख मिली, माँ की आँखों ही आँखों में इशारा किया, बोले कौन? बोले गज सुकुमार। राजकुमार बोले कि डन माँ, ये मेरा पक्का वादा है, तू ही मेरी आखिरी माँ होगी, मैं दूसरी माँ नहीं बनाऊँगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि मैं दूसरी माँ नहीं बनाऊँगा, किसी और को माँ नहीं बनाऊँगा। माँ प्रतिज्ञा ले ली, सब चले गए। माँ के शब्द गज सुकुमार के कानों में गूंज रहे हैं। माँ की बात की ऐसी करनी करना, माँ ने क्या बात कही थी कि माँ की माँ ने जो बात कही थी कि बेटा तू ऐसी करनी करना कि अगली बार किसी कोख से तू जन्म मत लेना और किसी का बेटा मत बनना। जैसे ही सब चले गए और वही बात गज सुकुमार मुनि के कानों में क्या हो रही है, पढ़ रही है कि ऐसी करनी करना किसी और को माँ मत बनाना, यानी मौत आखिरी मौत होनी चाहिए, मौत की भी ताकत नहीं तुझे मारने की, ऐसी करनी करना बेटा। देखिए 3 बजे का दीक्षा हो गई, 3 बजे का समय भगवान के चरणों में उपस्थित हुए गज सुकुमार मुनि। कहा कि भगवान अगर आपकी आज्ञा है, मैं भिक्षु की प्रतिमा 12वीं प्रतिमा करना चाहता हूँ, रात्रि की माँ प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ, माँ का स्मशान में एक रात्रि का ध्यान करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो। भगवान ने कहा आसुअम देवानुपिया माँ प्रतिबंधम करे ही। भगवान की आज्ञा मिली और चले गए माँ का स्मशान में। स्थंडिल भूमि की प्रतिलेखना की, अगर मुझे लघु नीत बड़ी नीत आए तो मैं यहाँ से आऊ जाऊ जगह देख ली, ध्यानस्थ हो गए, एक पदार्थ पर ध्यान लगा लिया, आँखों के सामने एक पदार्थ बिल्कुल अकंपित रूप से खड़े हो गए, ध्यान में मग्न हो गए। धीरे धीरे सूर्य छुपने लगा, छुपते हुए सूर्य के समय देखिए वो सोमिल ब्राह्मण, दीक्षा के वक्त उसे पता चल गया यज्ञ सामग्री लाने के लिए रास्ते में पड़ा उसका महाकाल स्मशान। वह वहाँ से गुजर रहा था, किसी साधक को महाकाल स्मशान में साधना करते हुए देखा कि कौन है ये पास में आए? ओ, ये तो मेरे गज सुकुमार मुनि जमाई राजा है, जिसके लिए स्वयं कृष्ण ने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, मेरी निर्दोष बेटी, जिसके रूप में कमी नहीं, जिसके भोलेपन में कमी नहीं, और मैंने तो कितने अरमानों के साथ सौंपा था उसको, उसका हाथ बिना थामे भगवान का हाथ थाम लिया। पहली बात तो व्यक्ति को स्वार्थ होता है, उसने सोचा था त्रिखंड के मालिक का क्या बनूंगा। उसके मन के अंदर तो खुशी थी कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सोमा को लेके गए, तो वो सोमिल ब्राह्मण मन के अंदर सोच रहा था कि त्रिकंड अधिपति का मैं क्या बनूंगा, आपकी भाषा में बैजी, यानी बेटी किसी के घर पे देते तो क्या हो जाते हैं, बैजी हो जाते हैं। तो उसने सोचा था कि त्रिखंड के मालिक का मैं क्या बनूंगा, बैजी बनूंगा, किसी का लड़का ब्याह हो, किसी की लड़की ब्याही, तो ब्याही बन जाता है, उसका ये रुतबा है। जो तो स्वार्थ में बाधा पड़ी तो उसे क्रोध आया, उस क्रोध के पीछे पिछले कर्म की कहानी।
वेरम सरंडी ये शब्द आया है, जब पढ़ रही थी तब देखते ही क्रोध आ जाना, वेर भाव जागृत हो गया। प्रत्यक्ष जो कारण है कि वह तीन खंड का व्यय नहीं बन पाया, ये प्रत्यक्ष कारण है। परोक्ष कारण कौन सा, प्रत्यक्ष कारण कौन सा था कि मैं उस तीन खंड का में व्यय नहीं बन पाया, लेकिन परोक्ष कारण कौन सा था, पिछले का, परोक्ष यानी पीछे का, 99 लाख भव वाले का, हमारे साथ जो पूरा बुरा कर रहा है, बुरा वो नहीं करता है, हमने करवाया है उससे, ये डेफिनेशन समझ लो, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये पहली सोच है, ये सोच रहेगी तो आप में कषाय कभी कम नहीं होंगे, आपके अंदर कभी वैर भाव कम नहीं होगा, इसने इतने मेरे साथ बुरा किया है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, ये भाव होंगे तो क्रोध आएगा ही। एक दूसरा भाव और अपोजिट, इसके द्वारा मैंने अपना बुरा करवाया है, यानी मेरे दुर्भाग्य ने मेरे सामने वालों को मेरा बुरा करने को मजबूर कर दिया। एक अच्छा इंसान था लेकिन मेरा बुरा करने के लिए मजबूर हो गए थे, इसको बुरा बनाया ना मैंने बनाया, मेरे अशुभ कर्मों ने बनाया है, मैंने कभी इसके साथ बुरा नहीं किया था, उसे बुरे कर्मों ने सामने वाले अच्छे इंसान को भी बुरा बना दिया है। ये फीलिंग अगर आ रहेगी तो बताओ क्रोध पैदा होगा। जिस प्रकार अगर तुम्हारे पैजामा या पैंट या धोती के अंदर अपना पैर अटक जाए तो क्या तुम उस धोती और पैजामा पैंट को फेंक दोगे, बताओ, कभी नहीं। तुम्हारे भोजन के स्वाद में अगर दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो क्या तुम अपने दांत तोड़ देते हो, नहीं तोड़ते हो, बताओ, तोड़ते हो, नहीं। मेरे भी दांत, ये तो मेरे ही दांत है, तो यही सोचा करो, अगर किसी ने बुरा किया है तो सामने वाले को बुरा करने के को मेरे कर्मों ने मजबूर किया है, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, मैंने ही इसके अंदर ये भावना पैदा की है। वैर भाव कौन सा, वैर भाव देखो 99 लाख भाव पहले वही दिवरानी जेठानी थे, कौन थे, जो सोमिल ब्राह्मण का जीव अभी है, और कौन, गज सुकुमार, देवरानी जेठानी का नहीं था, सोत का था, किसका था, देवरानी जेठानी नहीं, देवरानी जेठानी का होता है तो थोड़ी क्या हो जाती है, राग द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, पर यहाँ पर सोत का था, देवरानी जेठानी का होता तो चल जाता, सोत एक राजा की दो रानियाँ थी, क्या थी, एक राजा की दो रानियाँ थी, यानी सोत थी, बड़ी के हुआ नहीं कोई बच्चा, छोटी के हो गया बच्चा, तो राजा हो गया उसका सच्चा, उसका पक्का हो गया, उसकी इज्जत बनने लग गई, सम्मान बढ़ गया, जय जयकार हुई, बड़ी छोटी को देखकर चिढ़ने लगी और फिर अंदाजा लगा कि मेरे अपमान में इसका सम्मान में कौन है बीच में, वो छोटा सा बच्चा, इसने फर्क डाल दिया है, मैं जलित होती हूँ, इसका सम्मान होता है, वो बच्चे को देखकर वह चिड़चिड़ापन करती थी, बड़ी सोच उस बच्चे को देखकर चिड़ा करती थी, मन में सोचती थी, मन में भावना भाती रहती थी, पता नहीं ये कब मरेगा, ये जब तक जिंदा रहेगा तेरी इज्जत मेरी इज्जत कभी कमी नहीं होगी। ये सोचते क्या हुआ कि एक बार बच्चे के सर में एक छोटी सी हो गई, फिर वह बड़ी हो गई और बड़ी हुई बच्चा रोने लग गया, फोड़ा इतना बड़ा हुआ कि पूछो मत। माँ बड़ी परेशान बच्चे को लेकर, बड़ी सोत ने कहा कि चिंता मत कर, इसका इलाज है मेरे पास, देख उड़द की रोटी बनाई हुई है मोटी मोटी, जाड़ी रोटी आधी कच्ची आधी पक्की, गर्मा गर्म, चमड़ी मवाद के वजह से वो बिल्कुल पतली हो चुकी है, वो गांठ के वजह से वो सिर में चमड़ी क्या हो चुकी है, पतली हो चुकी है, जैसे ही गर्मा गर्म रोटी पड़ी और बांध दिया ऐसे ही चमड़ी फट गई और बच्चा वहीं पर क्या हो गया, मर गया। वो बच्चे का जीव कौन बना, सोमिल ब्राह्मण बना, जिसने रोटी रखी थी वह गज सुकुमार बना। देखिए 99 लाख भव बाद वो वैर भावना जागृत हुई, पागल सा हो गया, इसे छोड़ूंगा नहीं, देखने लगा क्या कम, सामने तालाब था, चिकनी मिट्टी लाई लेकर आया, गंजा सिर था, ऊपर से पाल बांधी, उधर चिता जल रही थी, उसमें से लाल लाल अंगारे टूटा हुआ घड़ा, एक दूसरे के संयोग से टूटे हुए लाल लाल अंगारे लाया, सारे के सारे अंगारे क्या करे, उनके सिर पर रख दिए, हो सारे अंगारे जो पाल बांधी है
उसमें सारे भर दिए। आप अंदाज़ा लगाओ बहुत अगर गर्मा गर्म पानी आपके उंगली में जलते जलते हो तो क्या होता है, छाला पड़ जाता है, करंट सा लगने लग जाता है। इतने में लाल सुर्ख से अंगारे वो भी गंजे खोपड़ी में डाल दिए। डालते ही वो डर गया, भाग गया। उस वक्त देखो क्या किया उसने, उस शमशान भूमि के अंदर जो अंगारे जल रहे थे और गजसुखमाल मुनि क्या थे, ध्यानस्थ में खड़े थे, उन्होंने ऊनी की और चूनी कही, जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, गज सुख माल मुनि राया अंत जगाया, गज सुख माल मुनि राया की अंत जगाया, सिर पर बांधी पाल मिट्टी की, सिर पर बांधी पाल मिट्टी की, खेर अंगारा ले आया की अंत जगाया, खेर अंगारा ले आया की अंत जगाया, रख दिए सिर पर जलते अंगारे, रख दिए सिर पर जलते अंगारे, पर मुनि सिर नहीं लाया की अंत जगाया, पर मुनि सिर नहीं लाया की अंत जगाया। कि देखिए गज सुखमाल मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं, गिल्ली मिट्टी की पाल बांधी और वहाँ से खिरे अंगारे लाकर उनके सिर पर रख दिए, फिर भी मुनि ने क्या नहीं हुए, इतने से भी हिले न डुले। उस वक्त देखो जरा महसूस करो कितनी अपार वेदना से गुजरे होंगे गज सुखमाल, लेकिन इतनी अपार वेदना होते हुए भी गज सुखमाल मुनि के मन में सोमिल ब्राह्मण के लिए एक तनिक भी, किसको बोलते हैं कि तनिक भी, इतनी भी हिम्मत तुम्हारे में है, तुम्हारे में छोड़ो हमारे में भी नहीं हो सकती है, तनिक भी भाव गलत नहीं आए गज सुखमाल मुनि के अंदर। उस वेदना में कैसे गुजरे होंगे उस वेदना का भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी आत्मलीनता इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, खोपड़ी के साथ साथ कर्म जल रहे, कर्म यूं ही जल गए। बताओ कर्म इसलिए जले क्यों मन में क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया तो दो अग्नि साथ जल जाती है, एक अग्नि सिर जला देती है और एक अग्नि आत्मा जला देती है। आत्मा ऐसे ही रहकर निखर के बाहर आई, जैसे ही अग्नि के अंदर सोना कुंदन बनकर बाहर निकलता है, बाहर आता है, थोड़ी देर में गज सुखमाल मुनि को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया। बोलिए गज सुखमाल मुनि की जय, बोलिए गज सुखमाल मुनि की जय। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख मालता, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, देवकी का लाल था ओ देवकी का लाल था, देवकी का लाल था ओ देवकी का लाल, प्रेम भरी वाणी सुनी नेम भगवान की, प्रेम भरी वाणी सुनी नेम भगवान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख मालता। तो देखिए ऐसे क्षमा के पुजारी जो हमारे इतिहास के पृष्ठों के अंदर जो गज सुखमाल मुनि का वर्णन आता है, अब आगे जैसे भी वर्णन आएगा आपको आगे सुनाया जाएगा। समय भी हो रहा है, आग में तीवी है, पनत्थे तंजा सुत्तागम्य अर्थागम्य तद्वयागम्य, इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कृति चार लगाओ तालम, जम एकदम वचामिलम हिनक करम अचक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम गोसीनम सुट्टुदीनम दुटुपड़िछेनम, अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाय सज्जयम बनता गुंता विचारता, ज्ञान वर ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशत न क्यों तो समीक्षामि दुखड़म। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हे 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 हो।
जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, हंसती है जब बेटियाँ तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियाँ तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठा के तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। हो लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, तुलसी बेटी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। हो बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। प्रदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं, बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियाँ वो ये कहते हैं, हे हे हो हो। दुनिया में देव अनेको हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना, उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। उपस्थित सज्जनों, मातम बहनों,
अभी अभी आप माँ सती जी अरज ज्योति जी के माध्यम से शास्त्र के पूर्व इतिहास के माध्यम से आप सुन रहे थे। आज ऐसे महापुरुष का वर्णन आया है जिस वर्णन को सुनकर हृदय द्रवित होता है, हिल जाता है इंसान, सिर पर अंगारे रखे फिर भी कितनी संभावना। पर्वादिराज पर्युषण जब भी आते हैं हमें प्रतिदिन एक न एक संदेश देते ही। व्यक्ति संसार के अंदर आता है, संसार के कार्य करना पड़ता है, लेकिन साथ में वो कर्मों का बंधन भी ढेर सारा कर लेता है। कर्म बांधते हुए देर नहीं लगते, गसुकमाल मुनि के निन्यानुभव का उदय आया तो हमारा कर्म जो बंध रहा है वो कब उदय में आएगा और कैसे भोगना पड़ेगा। एक कर्म वह है जो तपस्या से कम होते हैं, एक कर्म वो है क्षमा मांगने से कम होते हैं, एक कर्म वो है आलोचना करने से कम होते हैं, और एक कर्म ऐसा है कि उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। व्यक्ति पल पल में क्षण क्षण के अंदर कर्मों का बंधन कर रहा है। हम देखते हैं संसार के अंदर किसी पति पत्नी का अच्छा जमता है तो वहाँ कैसे झगड़ा मचाएं, सास बहू का अच्छा चल रहा है तो उसमें कैसा विघ्न डालें, माँ बेटे का अच्छा चल रहा हो वहाँ पे भी झगड़ा लगा देते। लेकिन ये आपका कुछ समय का मजाक होता है, लेकिन कई भर के कर्मों का बंधन है, उसे आपको भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं पर्वादिराज पर्युषण के दिनों में आप जितने कर्म क्षय करेंगे उतनी ही आपकी आत्मा हल्की होगी। हमने देखा अभी कुछ समय कुछ दिनों पहले बाजार के अंदर केरिया बिक रही थी, बहने कह रही थी भाई अचार की केरिया आ गई है, चलो अचार डालना है, मैंने तो लेकर आ गई है, तुम भी लेकर आ जाओ। और उनको सहयोग करते हैं, प्रेरणा देते हैं, अनुमोदना करते हैं और कहती है मेरे घर में तो अचार अच्छा बना है, आपको भी बनाना है तो मुझे बुला लेना। अरे वो करे ना करे, वह गृहस्थी हैं, उनकी क्रिया वह करें, लेकिन आप जब सहयोग करते हैं तो आपके कर्मों का बंधन होता है और कर्म ऐसे हैं भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। स्कंदक मुनि के जो कर्म बंधे हुए थे उन्होंने अपने चित्रकला से, अपनी एक कला से उन्होंने एक ऐसा फल था उनके सामने और राजा के सामने अपनी कला दिखाने के लिए उसका पूरा छिलका कहीं भी खंडित न होते हुए भी उसको पूरा सुरक्षित एक जैसा निकाल के दिया और सभा के अंदर वाहवा हुई, जय जयकार हुआ और राजा से गिफ्ट मिल गया, उसमें प्रसन्न हो गए। लेकिन वहाँ पर उनके कर्म बन गए और कर्म बनने के बाद कितने भोग के बाद उन्हें वह कर्म भोगना पड़ा जो उनके भी शरीर का पूरा जो शरीर था उनका उसकी खाल खंडित उतारी, ये कर्मों का बंधन है। किसी कवि ने बताया है गुरु भगवंत आपको मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, समझाते हैं कि आप कर्मों से बचो, लेकिन अज्ञानतावश जो गुरु भगवंत मार्ग बताते हैं उस पे न चलकर दूसरा मार्ग अपनाते हैं। लेकिन बार बार कहते हैं आपसे, किसी कवि ने बताया है गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है बाकी, गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है बाकी, आगम दर्पण में देखो हो
अगम दर्पण में देखो बदलना अब है बाकी, गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है बाकी, गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है कर्म की ये कहानी, कर्म की ये निशानी, कर्म जब तक है रहता होनी है लाभ आनी, कर्म जंजीर पड़ी है हो, कर्म जंजीर पड़ी है तोड़ना अब है बाकी, गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है बाकी, गुरु ने मार्ग बताया अभी चलना है बाकी। गुरु ने आपको मार्ग बताया है, आपको कर्मों के बंधन से किस तरह बचना है और जो नहीं बचता उसे पश्चाताप करना पड़ता है। आदमी भटक जाता है, अरे तुम्हें अनुमोदना देना है, प्रेरणा देना है तो दलाली करो, दलाली कर्म से, जो दलाली करते हैं धर्म की प्रेरणा देते हैं, संस्कार देते हैं, उससे आपकी कर्मों की निर्जरा होती हैं। लेकिन व्यक्ति समझता नहीं है और कर्मों का बंधन करता रहता है। गुजरात का एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा था, उसे भूख लगी, देख रहा था कोई अच्छी होटल आ जाए वहां चला जाऊं, एक अच्छी होटल नजर आई, उसे उस होटल पर लिखा था स्वादिष्ट भोजन मिलता है, उस होटल के अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रवेश पर लिखा हुआ था एक बोर्ड, तुम्हारा जमवाना पैसा, गुजराती में लिखा है तुम्हारा जमवाना पैसा तुम्हारा पोता ती लेवा से। उसने सोचा बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं खाना खाऊंगा और मेरा पोता पैसा देगा। अंदर प्रवेश किया, टेबल पर बैठा, वेटर को आदेश दिया, वेटर हाजिर हुआ, उसने कहा मुझे ये चीज चाहिए, पूरा थाल सच के आ गया। क्या बढ़िया थाल था, चार तरह की सब्जी, दो चार तरह की चटनी, मिर्ची मसाला और कई तरह की मिठाइयाँ थी, गरम गरम गुलाब जामुन थे, गरम गरम जलेबी थी और बहुत ही आनंद से स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। भोजन पूरा हुआ, उसने सोचा ये मुझे बिल नहीं चुकाना है, ये मेरा पोता चुकाएगा, क्यों न मैं फुल खा लूँ जो शाम को घर पे खाना नहीं पड़ेगा और मेरा खर्चा बच जाएगा। खाना खा के उठा वो और चलने लगा, वेटर ने भोजन का बिल लाकर टेबल पर रख दिया। महाशय जी ये बिल चुकाते जाइए। महाशय जी ने कहा वेटर जी आप गलत बोल रहे हैं, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है तुम्हारा जमवाना पैसा तुम्हारा पोता थी लेवा से। मालिक ने कहा भाई साहब आपने भोजन किया है तो इसका पैसा आपको ही देना पड़ेगा। तो कहता नहीं, क्यों? अरे आपने लिखा है मेरा भोजन मैंने किया है तो मेरा बिल पोता चुकाएगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो लोग बड़े होशियार होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये भी बात सही है, अभी थोड़ी देर पहले आपके दादाजी भोजन करके गए हैं तो, और आप उनके पोते हैं, आपका बिल तो बाकी है, जब आपका पोता होगा जब चुकाएगा, लेकिन आपके दादाजी जो भोजन करके गए हैं उसका बिल तो आपको ही चुकाना है। चाहे इस कान से सुन देखते हैं या उस कान से, लेकिन आदमी कान पकड़ ही लेता है, कितना भी चालाक से चालाक आदमी आओ उसको बिल चुकाना पड़ा और उसे पश्चाताप करना पड़ा कि मैंने तो इतना ढेर साना खाना खाया है, मिठाइयाँ भी मंगाई, मैंने सोचा फ्री में मिल रहा है, माल उड़ाओ।
लेकिन एक ध्यान रखो, जो कर्म बांधता है उसको ही भोगना पड़ता है, उसके बिना छुटकारा नहीं है। चाहे माँ बाप हो, चाहे पोता पोती हो, चाहे दादा दादी हो, कोई भी हो, जिसका कर्जा उसको ही चुकाना है, चाहे इस भव में या उस भव में। लेकिन हम देखते हैं आज तो इस हाथ से कर्जा लो और तुरंत उसी भव में चुका रहे हैं, काफ़ी ऐसे व्यक्तियों को हम देख रहे हैं। तो कर्जा लेने से पहले चिंतन करना है कि हमें कितना कर्जा लेना है और हम चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर एक पैसा भी अगर सिर पर रह गया तो उसके लिए कई जन्म लेकर उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो शास्त्र के माध्यम से बहुत ही सुंदर सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई जा रही है। तो आप अपने जीवन में उसको स्वीकार करें और उन महापुरुषों जैसा जीवन बनाए। एक कर्जा लेने का है और एक कर्जा भोगने का है। तो जब तक कर्जा लेने का दरवाज़ा बंद नहीं होता है, जब तक कर्जा कम नहीं होता है। तो हमारे पास में भी एक कर्म बनने का मार्ग है और एक कर्म काटने का मार्ग है। तो कर्म दोनों में से एक द्वार आपको बंद करना होगा और वह द्वार है कर्म बांधने का। तो कर्म बांधने का अगर द्वार बंद हो गया तो हमारे जितने कर्म बंधे हुए हैं उनको क्षय करते करते जाएंगे इस जीवन में। तो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारा कर्मों का भार कम हो जाएगा। समय काफ़ी हुआ है, मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँ, भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि प्रवादी राज पर्युषण की बहुत ही सुंदर भाव से आप आराधना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वह दिन भी निकट आ रहा है जिसमें हमें अपना लेखा जोखा करना है। हम जीवन में इस प्रवादीराज पर्युषण में एक संकल्प करें कि चारों तीर्थ में से साधु साध्वी श्रावक और श्राविका की किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, किसको ऊपर नीचे न बताए, किसका विरोध न करे। अगर समभाव से रहेंगे तो अवश्य ही कर्मों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। आपको विदित है जैन स्थानक के अंदर 8 दिन का पंच तीर्थंकरों का जाप चल रहा है और उसके पश्चात एक एक परिवार में जाप प्रारंभ होगा और उस जाप के अंदर 25-30 नाम मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो सभी भाई बहनों से, जामनेर एक धर्म नगरी है, महान नगरी है, मैं इस महान नगरी से एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपना नाम तुरंत ही माँ सती जी के पास रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आप अपने घर के अंदर एक धर्म की ऊर्जा ला सकते हैं और कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस ले, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस ले और उस सांस को धीरे से छोड़ें, और धीरे और धीरे। श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे, रस महावीर शांति जिने चर हरियो पे, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे, श्री आदिने में पारस महावीर हरियो पे, श्री आदिने में पारस महावीर शांति जिने
पे। बोलिए पंच तीर्थंकर भगवान की जय। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ पर्वादिराज पर्युषण के लिए मेरी तरफ से एवं साधु मनल की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आपकी भावना उच्चतम उच्च बने इसी मंगलमय कामना के साथ ओम शांति मंगल पाठ। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अरुं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अरुं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। ओम ब्रीम सिम अरुम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फते सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ब्रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारि मंगलम नरयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतद मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली प्रणतदमो लघुत्तमो चतारि शरणं पूजामि अरिन्ता शरणं पूजामि सिद्धा शरणं पूजामि साहू शरणं पूजामि केली प्रणतदमो शरणं पूजामि अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधुजी महाराज का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा चार शरणा मंगल करना उरन शरणा निको जय भवि प्राणी आदरि तो अक्षय। बोलिए गसुकाल मुनि की जय।